तो आप सभी को लग रहा होगा रोहतांग कोई भी नहीं जा रहा है, खाली पड़ा हुआ है रोहतांग, अभी भी पैक पड़ा हुआ। आप देख सकते हो लाइन लगी हुई है, धूप खिली हुई है अच्छे से और रास्ते भी क्लियर है, लोग अभी भी मजे ले रहे हैं रोहतांग जाकर। ये है आज का प्यारा सा व्यू आप देख सकते हो, और आज हम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास जाकर आपको अपडेट देंगे। आज सारा सा जा रहा था रोहतांग पास वाले रास्ते में, और काफी लोग रोहतांग पास घूमने जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखे गर्मी को मिटाते हुए थोड़े से भैंसे। शायद इन्हें भी गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, और आराम से लेटे हुए इस पानी में, मजा आ रहा है। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? गर्मी के असली मजे ले रहे हैं ये सब, बढ़िया। और मैं जा रहा हूं आज अपनी जिमनी को लेकर रोहतांग पास, क्योंकि काफी टाइम से आपको रोहतांग पास का अपडेट नहीं दे पा रहा था, और आज सोचा मैंने क्यों ना रोहतांग पास जाऊं, रोहतांग पास जाकर आपको आज रोहतांग पास का अपडेट दूं। और आज हमारे सभी भाई बंधु जा रहे हैं रोहतांग पास, क्योंकि आज वहां पर सभी मिलकर कर रहे हैं साफ सफाई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने भाइयों का हाथ बटाऊं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो दोस्तों, ये है भोजपत्र का वृक्ष। अगर आपको भोजपत्र के बारे में पता नहीं है, तो भोजपत्र पे हमारे आदिकाल में वेद पुराण लिखे गए थे, जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ है वो लिखे गए थे। इसकी ये जो छाल होती है ना, ये छाल एक टाइम में पूरा निकलता है, आगे देख सकते हो आप ये निकली हुई है, तो इसके ऊपर अभी तक जितने भी प्राण हैं पुराने हमारे ग्रंथ है वो लिखे गए थे, वैदिक मंत्र इस पे लिखे गए थे। और आज है 7 जुलाई 2024, रोहतांग पास के लिए देखो आप कितनी गाड़ियां जा रही है। अभी भी लोगों में कितना ज़्यादा क्रेज़ है रोहतांग पास जाने का, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि रोहतांग पास का वेदर क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है। मनाली आकर लोग एक दिन रोहतांग पास ज़रूर विजिट करते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत वादियों में। ये वृक्ष हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जब भी पन्ने का पेज का, जैसे आज की डेट में कॉपियां बनी हुई है जिस पे हम राइटिंग करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले प्राचीन काल में इसी का आविष्कार किया था, पेड़ों से ही अपने नोट सुनाए थे। जैसे आज के डेट में लोग पेड़ को काट कर बनाते हैं, उस टाइम देखो ऋषि मुनियों में इतना तप था, उन्होंने वृक्ष को बिना काटे ही जो इसकी छाल निकलती है उसके ऊपर लिखना शुरू किया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स निकलती रहती है हर साल कुछ महीने के बाद, जहाँ पे आज का युग का वैज्ञानिक पेड़ों को काट कर पन्ने बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट को फ़र्क पड़ता है। और ये है गुलाबा, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, गुलाबा का व्यू बहुत ही शानदार है। रोहतांग पास के लिए देखो कितना ज़्यादा क्राउड जा रहा है, इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, पता नहीं कितनी ज़्यादा बर्फ होगी भाई वहाँ पे, अभी जाके देखूंगा कितनी ज्यादा बर्फ है वहाँ पे। और व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही शानदार व्यू है, पहाड़ों का, बादल का, बहुत ही मस्त व्यू है। और लोग तो इतने ज्यादा जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से ट्रैक भी शुरू होता है भृगु ट्रैक, और जो ये सुमो आप देख रहे हैं ये ट्रैकर लोग जा रहे हैं, भृगु ट्रैक जा रहे हैं ये सभी, इनका ट्रैक यहाँ से शुरू होता है गुलाबा से और भृगु लेक जाएंगे ये। तो मेरा भी ड्रीम है बहुत सालों से भृगु लेक जाने का, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो बहुत जल्द ये वाला ड्रीम भी पूरा करेंगे, भृगु ट्रैक जाएंगे। बाकी आप देख सकते हो पहाड़ों पे आइसक्रीम छाई हुई है बहुत प्यारी सी, आज यहीं जाएंगे। ग्रीनरी दोस्तों बहुत ही अच्छी आई हुई है अभी, अगर आप गर्मी से परेशान हो तो आप घूम सकते हो आराम से यहाँ पे। नॉर्मली टेम्परेचर यहाँ पर 10 से 12 के आसपास रहता है दिन में भी धूप में भी, बाकी ठंड का मज़ा भी आपको आएगा और ये प्यारा प्यारा व्यू आपको अभी मिलेगा। अगर आपको स्नो नहीं मिल रहा तो आप स्पेशली स्नो के लिए ही ना आए, एक्सप्लोर करें इस हिमालयन रेंज को। अभी हम रोहतांग पास से पीछे पहुंच चुके हैं राला वाटरफॉल, और राला वाटरफॉल के पास भी अच्छा खासा क्राउड है, काफ़ी सारे लोग आए हुए यहाँ पर राला वाटरफॉल देखने, और राला वाटरफॉल का व्यू भी आप देख सकते हो,
बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप सोच रहे होंगे घोड़े लकड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं। घोड़े लकड़ी लेके जा रहे हैं थाच को। थाच बोले तो जहाँ पर भेड़ बकरियाँ चरती है, एक बड़ा सा ग्रासलैंड जहाँ पर बहुत सारी घास होती है और बहुत सारा ग्राउंड होता है, ओपन एरिया होता है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं दोस्तों। तो जो चरवाहे होते हैं इनको रोटियां भी बनानी पड़ती है, इसलिए ये घोड़े पे लकड़ियां इकट्ठा करके नीचे से ला रहे हैं कोठी विलेज साइड से, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहीं से ये लकड़ियां ला रहे हैं अपने लिए। तो पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत एडवेंचर वाली होती है। आपने रियल एडवेंचर नहीं देखा होगा, रियल कैंपिंग नहीं देखी होगी फिलहाल। और अभी हम पहुँच चुके हैं मड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास। आप देख सकते हो प्यारा सा वाटरफॉल दिख रहा हमें। मड़ी की शॉर्ट फ्लाई हो रही है और ये है मड़ी वाली हाई फ्लाई, जो बहुत बड़ी फ्लाई है। और यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हो। उसके बाद ये सामने रोहतांग पास है, रोहतांग पास जाके आप मज़ा कर सकते हो काफ़ी सारा। इन प्यारी प्यारी डेस्टिनेशन में आप खूब सारा मज़ा कर सकते हो, खूब सारे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। और ये टेम्पल है यहाँ पर, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो प्यारी सी लोकेशन में। अगर आप सीधा सीधा जा रहे हो, सीधा सीधा आ रहे हो, तो क्या मज़ा आएगा आपको रोहतांग जाकर। जब तक आप रुकते रुकते नहीं जाओगे, पूरा मज़ा करते नहीं जाओगे, तो इन प्यारी सी बैलियों का मज़ा कैसे कर पाओगे दोस्तों। तो आप प्लान कर रहे हैं रोहतांग पास, तो रोहतांग पास भी आ जाएं। बाकी आपका बद्री भाई बैठा है, जिमनी मेरी बैठी हुई है, बुकिंग आप ले सकते हो और रोहतांग आ सकते हो हमारे साथ। और पैराग्लाइडिंग एडवेंचर भी यहाँ पर हो रहा है, पैराग्लाइडिंग, तो आप पैराग्लाइडिंग यहाँ पर कर सकते हो। शॉर्ट और हाई फ्लाई, दो प्रकार की फ्लाई यहाँ पर होगी, एक शॉर्ट एक हाई। अभी जो ये फ्लाई देख रहे हो आप, ये हाई फ्लाई है, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा हाई फ्लाई करके। बाकी आप भूखे पेट आ रहे हो तो यहाँ पर लंच ज़रूर करें, बहुत मज़ा आएगा। तो हमारी टीम आ चुकी है मड़ी से। मनाली का कुछ ऐसा व्यू दिखता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग। एकदम से यहाँ पर फॉग आ गई और कोहरा ही कोहरा हो गया। और यह है उधर पैराग्लाइडिंग साइट, जहाँ से अभी कोई उड़ेगा तो वो फिर बोलेगा 100-200 एक्स्ट्रा ले लो भाई, कोहरा ही कोहरा, लैंड करा दो। अभी 2 मिनट ही हुए थे हमारे को यहाँ महादेव जी के दर्शन करने के लिए, रुके हुए थे। मौसम पूरा धुंध से भरा हुआ था, ये अपने भाई लोग हैं, और 2 मिनट में ही धुंध गायब सारी। यही है पहाड़ों का नेचर, पहाड़ों की ब्यूटी, जो हर पल दो पल में चेंज होता रहता है। और ये रास्ता है, आपको लग रहा होगा कोई मूवी का सीन है हॉलीवुड का, पर हॉलीवुड का सीन नहीं है, ये रोहतांग पास है। अगर आपको ये नेचर ब्यूटी देखनी है तो आपको भी आना पड़ेगा रोहतांग पास, और ये अपने दोस्त। तो अभी जाएंगे हम रोहतांग पास की ओर। मैं पहुंच चुका हूँ रानी नाला, और यहीं पर आपको स्नो देखने को मिलेगी, बड़ी सी बॉल जो 70 फुट की थी, अभी बची है ये कम से कम 15-1 फुट की दीवार बची हुई है। तो इसी बर्फ में सभी मज़े कर रहे हैं, सभी लोग यहीं पे रुके हुए हैं, आप देख सकते हो पूरे पूरे ग्रुप यहीं पे रुके हुए हैं रोहतांग पास से पहले। ये जो मंदिर देख रहे हो, ये है व्यास ऋषि का मंदिर। यहीं से व्यास रिवर का जन्म होता है, आप देख ही सकते हो। सभी हर हर गंगे ज़रूर लिखे। फॉग बहुत तेज़ हो गई यहाँ पे एकदम से,